तुमने क्या बात की थी कि अगर हाँ कंट्रोल बिट अगर हम ऐड करेंगे, ये कंट्रोल बिट क्यों ऐड की जाती है? तो याद रखेंगे कि कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, उसके लिए हम ये कंट्रोल बिट यूज करते हैं। ठीक, मीनिंग डीकम्यूटेटर को कैसे पता चलेगा कि हाँ फर्स्ट एक पूरा सैंपल मीनिंग सबका हर मैसेज सिग्नल का फर्स्ट सैंपल आ चुका है या हर मैसेज सिग्नल का सेकेंड सैंपल आ चुका है। ठीक, जो हम ये कंट्रोल बिट ऐड करते हैं वो कहाँ पे ऐड करते हैं? एट द एंड, जहां पे लास्ट मैसेज सिग्नल का फर्स्ट सैंपल जहां पहुंचा होता है उसके बाद हम कंट्रोल बिट लगाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अगेन हमारा सेकेंड सैंपल सारे मैसेजेस का जाना शुरू होता है, और जहां पे सेकेंड सैंपल सबके कंप्लीट हो जाते हैं वहां पे फिर अगेन हम कंट्रोल बिट लगाते हैं। ठीक, देखो बेसिकली जो हमारा कम्यूटेटर और डीकम्यूटेटर में सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है, हम क्या चाहते हैं कि दोनों का जो रोटेशन हो, ठीक, चाहे कम्यूटेटर का हो या डीकम्यूटेटर, हम दोनों का ही जो फ्रेम टाइम हो वो इक्वल रहे, और उसी के लिए हमने कंट्रोल बिट लगाई हुई है ताकि जो डीकम्यूटेटर है वो चेक कर पाए कि हाँ जो मेरा कम्यूटेटर है उसका फ्रेम टाइम कितना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दे। ठीक ना, एक पॉइंट यहां पे ये याद रखना कि जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल या डिजिटल सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करने के लिए यूज होती है इन जनरल। ठीक, अभी आगे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तुमने जितने भी अभी एनालॉग मॉड्यूलेशन पढ़े AM, FM, ठीक, DSB-SC, SSB-SC, PM, इन सबको अगर हमें मल्टीप्लेक्स कराना है, ठीक, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। देखो जैसा कि नाम से, दोनों के ही नाम से ऑलमोस्ट क्लियर होता है कि भाई टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या हो रही है, कि मल्टीप्लेक्सिंग करा रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, हम एक बार फिर अपना भाई रोड का एग्जांपल लेके, ठीक, हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में और फ्रीक्वेंसी डिवीजन। अगेन मेरे पास एक ये रोड थी, ठीक, जिसपे ट्रेवल होना था, और मैंने रोड की जो विड्थ बनाई वो 1000 मीटर की। ठीक, अब 1000 मीटर की विड्थ है और मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी रोड की जो एक्सेस है वो इस तरह से दूंगा कि कोई यूजर वन, से वो ट्रक ड्राइवर था, अपना ट्रक लेके आ रहा था, ठीक, वो 5:14:19 AM पे अपना ट्रक इस रोड से लेके जाए। अब उस ट्रक की जो विड्थ है वो 998 मीटर है। ठीक, इस तरह से दूसरा हमने डिसाइड किया कि इसके बाद जो यूजर टू है, से कोई बस ड्राइवर है, अपनी बस लेके 5:14:21 पे जाए। बस की विड्थ भी 998 मीटर है, इजिली ट्रेवल कर गई। ठीक,
मीनिंग यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी की पूरी रोड का एक्सेस किसी एक पर्टिकुलर यूजर को दे रहे हैं। इसी तरह से अगर इसको हम रिलेट करें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से, तो रोड क्या है, मेरा चैनल, और यहाँ पे जो ट्रक और बस आ रहे हैं वो क्या है, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटेड मैसेज सिग्नल। तो हम कर क्या रहे हैं, अपने चैनल की जो होल बैंडविड्थ है, लेट्स से 1000 किलोहर्ट्ज़, ये जो बैंडविड्थ है, ये सारी की सारी बैंडविड्थ हम यूजर वन को असाइन कर दे रहे हैं। और यूजर वन इस टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी बैंडविड्थ को एक्सेस कर पा रहा है और अपने आप को ट्रांसमिट कर रहा है, अपने मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। फिर दूसरे टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर टू को वही बैंडविड्थ, पूरी की पूरी बैंडविड्थ हम यूजर टू को दे रहे हैं, यूजर टू इसको प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहा है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, ठीक, देखो, क्योंकि एक टाइम पे कोई एक यूजर पूरी की पूरी बैंडविड्थ यूज कर रहा है, ठीक, और 1000 किलोहर्ट्ज़ की एक हाई बैंडविड्थ यूज कर रहा है एक साथ, तो मीनिंग जो क्वालिटी होगी वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक, मतलब बड़े ट्रक हम निकाल सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल हम यहाँ पे इजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं, हमें सिग्नल को ज्यादा बैंड लिमिट नहीं करना पड़ेगा, है ना। हमने तुम्हें बताया कि अगर किसी मैसेज सिग्नल की बात करें तो उसकी लार्ज फ्रीक्वेंसी पे इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट होते हैं, उनके ना होने से इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होगा, हाँ क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि हम पूरी की पूरी बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर टाइम पे दे रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ सिग्नल हम ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, हम ज्यादा इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नुकसान भी है, मान लो कोई मैसेज सिग्नल है यूजर थ्री, ठीक, वो आ रहा है 5:14:30 PM AM, वो है एक कार जिसकी विड्थ है केवल 55 मीटर, और वो जब इस रोड से निकल रही है, तो क्या इस रोड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर हम टीडीएम की बात करें, तो अगर यूजर थ्री जिसकी बैंडविड्थ 55 हर्ट्ज होती या 55 किलोहर्ट्ज होती, जब वो इस चैनल को एक्सेस करेगा, तो एक तरह से मेरी बैंडविड्थ जो है वेस्ट हो रही है, ठीक। तो बैंडविड्थ का ज्यादा अच्छे से यूज करने के लिए, कम बैंडविड्थ में ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स भेजने के लिए, ठीक, हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, ठीक। क्योंकि पॉइंट यही है कि जब हम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हमारे लिए ज्यादा नीडेड ये है कि भाई कम से कम बैंडविड्थ में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स ट्रांसमिट हो पाए, अपना काम कर पाए, ठीक। क्वालिटी हम बहुत हाई लेवल नहीं रखने की कोशिश करते हैं। यहां हम क्या करते हैं, जो 1000 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ थी, उसको हमने कई छोटे छोटे स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे, और हर एक स्लॉट जो था वो एक पर्टिकुलर यूजर को मिला हुआ था, ठीक, वो किसी टाइम पे भी उसको यूज कर सकता था। यूजर वन को एक स्लॉट मिला, यूजर टू को दूसरा स्लॉट, यूजर थ्री को, जैसे ये जो डिवीजन, अच्छा ये डिवीजन तुम्हारे इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। जैसे 0 से 50 किलोहर्ट्ज़ तक यहाँ रहा, 50 से 250 किलोहर्ट्ज़ तक यहाँ रहा, 250 से 500 किलोहर्ट्ज़ तक ये चैनल रहा, और 500 से 900 किलोहर्ट्ज़ तक जैसे ये रहा, और ये 1000। यहाँ जो हमने विड्थ दी है वो कितनी बैंडविड्थ दी है, 50 किलोहर्ट्ज़,
मीनिंग यहाँ पे 0 से 50 किलोहर्ट्ज़ वाले जो मैसेजेस हैं वो यहाँ से ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, 50 से 250 के बीच वाले, 200 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ हमने इसको असाइन की है। 50 से 250 किलोहर्ट्ज़ वाले जो मैसेजेस होंगे वो इस रास्ते से जा सकते हैं। इसी तरीके से हम डिवीजन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, मीनिंग मैसेज की बैंडविड्थ के हिसाब से उसको हम चैनल असाइन कर देते हैं और वो इजीली उस चैनल को एक्सेस कर पाते हैं। अभी कई सारी चीजें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोगों को डिस्कस करनी है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले और कैसे ये वर्क करता है, तो आज नहीं, चलो इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो भी डिस्कशन हुए उसमें किसी को कहीं कोई डाउट या कितनी चीजें समझ में आ गई? अगर डाउट नहीं है तो क्या क्या समझ में आ गया? सर, समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर बेसिक। एलियासिंग इफेक्ट समझ में आ गया और एंटी एलियासिंग फिल्टर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर का बेसिक। रोल नंबर 7 अदिति, अदिति सिंह रोल नंबर 7। आकांक्षा रोल नंबर 12। अच्छा, क्लास में यही 3-4 लोग ही पढ़ने के लिए बैठते हैं, बाकी सब केवल अटेंडेंस के लिए बैठते हो? और इसमें ये भी डाउटफुल है कि क्लास में बैठते भी हो कि नहीं बैठते हो, बस ज्वाइन करके ठीक है चलने दो। रोल नंबर 19 अनीशा, यस सर। बेटा, एलियासिंग इफेक्ट क्या होता है? तो कोई यहाँ अगर नहीं भी आएगा तो हमें ऐसा, हम ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ किए दे रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है अच्छी बात है, नहीं आएगा कम से कम क्लास दोबारा जाके शायद देख तो लो एक बार। यहाँ जितना तुम क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन रखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तुम्हें वहां पे उतनी ही हेल्प मिलेगी। हम फिर बता रहे हैं कि यहाँ तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम कुछ भी जाके लिख सकते हो, उससे काम नहीं चलेगा, या तो वहां सही है या गलत है जब ऑब्जेक्टिव पेपर दोगे तो।